शरीर के किसी भी भाग में असामान्य रूप से गांठ का उभरना या कोई असामान्य लक्षण पैदा होना कैंसर हो सकता है। तो आइए लेते हैं कैंसर के प्रति कुछ और जानकारी। प्रस्तुत है एक नाटिका, जन जन को समझाना है कैंसर को दूर भगाना है। रेलवे स्टेशन का दृश्य, गाड़ी संख्या 000 खटारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। तीन 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 अरे राहुल बेटा देख, अब तो तेरी ट्रेन का भी टाइम हो गया है। बेटा जरा अपना ध्यान रखना और मन लगा के पढ़ाई करना। अरे मम्मी चिंता क्यों कर रही हो, कॉलेज ही तो जा रहा हूँ बस। और मेरी शेयर पैकिंग चेकिंग हो गई तेरी? हाँ पापा पैकिंग सारी हो गई। अच्छे से जाना, ख्याल रखना अपना। चलो बेटा जा रहा हूँ, बाय मम्मी, बाय पापा। बेटा ध्यान जरूर रखना अपना। और खेलकूद दोनों में ही एकदम अव्वल आता है। जैसा कि आज इस कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम है, तो आइए देखते हैं राहुल की परफॉर्मेंस। Yeah.
अरे आजा आजा, अरे यार दोस्त आ गया। आजा यार तू क्या कर रहा है वहाँ खड़े होके, आजा आजा। अरे राहुल इधर आ भाई, क्या सारे दिन यार किताबों में लगा रहता है यार, मेरे गेट ट्राई कर। अबे यार ये क्या पी रहा है तू? अरे मेरी किताबों में की टिकट खराब कर दिया। अरे यार क्या कर रहा है तू? नहीं था यार, अबे पढ़ लिख, चल तू मेरे साथ। अरे अरे इसको कहाँ लेके जा रहा है? अरे अरे रुको, अरे यार मैं तुझे कैसे बताऊं? अरे क्या हुआ राहुल, ये क्या पी रहा है तू? अरे यार तंबाकू सिगरेट शराब, मेरे अपने अच्छे दोस्त है, एग्जाम में मेरी इतनी मदद करते हैं यार, पूरी थकान दूर हो जाती है इन सबको इस्तेमाल करके। अबे मैं तुझे इनकी असलियत बताता हूँ, आज इनकी कैंसर बॉस के साथ मीटिंग है। इनकी मीटिंग कैंसर के साथ? आज तो बॉस के साथ मीटिंग है, मौतों का आंकड़ा देना पड़ेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं क्या बताऊं बॉस अपनी रिपोर्ट, मैं तो हर पार्टी में छाया हुआ हूँ, आदमी तो आदमी, औरतें भी इतने शौक से पीती हैं मुझे तो, उन्हें क्या बताऊं, उन्हें तो मैं ही पीता जा रहा हूँ। अच्छा भाई तंबाकू, तुम तो देना अपनी रिपोर्ट जरा। अरे बॉस मेरी रिपोर्ट तो सबसे अच्छी है, मैं तो हर साल लाखों लोगों की जान लेता हूँ, और इस साल भी मैंने 10 लाख लोगों की जान ली है, मेरा तो एक ही मकसद है, बस मौत, बस मौत। अच्छा सिगरेट तुम बताओ। अरे तुम्हारी क्या रिपोर्ट? मैं क्या बताऊँ, लोग मुझे बड़े शौक से चलाते हैं, और इस बार मैंने 5 लाख लोगों की जान ली है, ये देखिए मेरी मोटी मोटी फाइल। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ मौत चाहिए, मौत हर अस्पताल में, सिर्फ और सिर्फ कैंसर के पेशेंट होने चाहिए, कैंसर के पेशेंट, अगर इनमें कमी हुई जी बॉस तो मुझसे भरा कोई नहीं होगा जी बॉस। अरे यार राहुल आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी, जिन्हें मैं दोस्त समझता था वो तो मेरे दुश्मन निकले, देखा तूने। अरे राहुल पर ये बता तुझे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, तू इनके असलियत कैसे जानता है? मेरा भी एक दोस्त हुआ करता था जो इन सब के नशे में धुत रहता था, लेकिन एक दिन उसे ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई जिसका पता हम एक दिन नहीं लगा सके, जब हॉस्पिटल ले गए देखा तो बहुत देर हो चुकी थी, और उसे लास्ट स्टेज कैंसर था। कैंसर? और हम उसे बचा ना सके। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें कैंसर है या नहीं? जी हाँ, ऐसे कुछ लक्षण हैं जिन्हें होने पर हमें अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, जैसे कि आंत या मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन, शरीर के किसी भी हिस्से में असामान्य रक्तस्राव या श्राव, लगातार खांसी का आना या आवाज में भारीपन, पाचन में अस्पष्टीकृत गिरावट या भूखना लगना, निगलने में परेशानी या पुरानी अपच, घाव जो जल्दी ना भरे, तिलिया मस्से में कोई परिवर्तन। यदि आप सभी को इन सभी चेतावनियों में से एक या एक से अधिक है तो अपने चिकित्सक को जरूर परामर्श करें। तो ये बताइए हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें या ना के बराबर करें, संतुलित वजन रखें, आहार में फल एवं सब्जियों का अधिक प्रयोग करें, लाल संसाधित मांस का प्रयोग कम करें, शराब का सेवन ना करें अथवा नियमित रूप में करें, सुरक्षित यौन संबंध रखें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और योगा करें। अगर आप इन सुझावों का नियमित रूप से पालन करते हैं तो ये सब सुझाव आपको कैंसर से बचा सकते हैं। जान है तो जहान है। जैसा कि हम सभी ने देखा NICPR की तरफ से कैंसर अवेयरनेस की छोटी सी प्रस्तुति, हमें आशा है हमारी ये कोशिश कामयाब रही।